आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। भगवान शिव देवादिदेव महादेव। भगवान शिव का प्रिय मास श्रावण। श्रावण मास आरंभ हुआ 22 जुलाई 2024 पहला श्रावण सोमवार 22 जुलाई 2024 को सिवनी में मठ मंदिर आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। मठ सरकार यहां विराजते हैं। मठ महालोक की कल्पना भी सिवनी लोक के लोगों के मन में है। जिस तरह महाकाल लोक का निर्माण कराया गया, वैसे ही मठ महालोक का निर्माण के लिए अगर सिवनी के सांसद विधायक एकजुट हो जाएं तो क्या कहने। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। भगवान शिव का प्रिय मास श्रावण और श्रावण मास के पहले सोमवार को भगवान शिव सहित सभी देवी देवताओं के देवालयों में भीड़ उमड़ी। मठ मंदिर भगवान शिव का एक बहुत सिद्ध पीठ कहलाती है। भगवान शिव की मठ मंदिर में शिवलिंग है, ऐसी मान्यता है कि इस शिवलिंग की स्थापना आदि शंकराचार्य के द्वारा कराई गई थी और बनारस के काशी विश्वनाथ और सिवनी के मठ मंदिर के शिवलिंग की का माप इस तरीके की किंवदंतियां हैं कि दोनों का माप बराबर हुआ करता था और एक ही दिन दोनों की स्थापना कराई गई थी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। श्रद्धालुओं का तांता सुबह से ही लगा दिखाई दिया मठ मंदिर में। मठ मंदिर में भगवान शिव देवादिदेव महादेव जिन्हें कहा जाता है, उनके श्रृंगार को उनके यहाँ पर पूजन करने के लिए आपको दिख रहे होंगे। भगवान शिव का अभिषेक लगातार लोगों के द्वारा किया जा रहा है। लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। शिव की नगरी कहा जाता है सिवनी को, और शिव की नगरी में महिलाएं पुरुष सभी पहला श्रावण सोमवार 2024 का आप देख सकते हैं भगवान शिव के शिवलिंग पर, भगवान शिव के प्रिय बेलपत्र धतूरा और न जाने क्या क्या यहाँ पर जो भी भगवान शिव को प्रिय है वो सब यहाँ अर्पित किया जा रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। देवादिदेव महादेव का अभिषेक श्रृंगी के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं लोग भगवान शिव का अभिषेक करते हुए नजर आ रहे होंगे। सिवनी में मठ मंदिर अपने आप में एक ऐतिहासिक माना जा सकता है। ऐतिहासिक मठ मंदिर के आपको श्रावण सोमवार, प्रथम श्रावण सोमवार 2024 का श्रावण 22 जुलाई सोमवार से आरंभ हुआ। 2024 का ये पहला सोमवार है श्रावण का, और इस बार श्रावण की शुरुआत ही सोमवार से हुई। बहुत ही शुभ संयोग इसे माना जा सकता है। बाहर नंदी बाबा भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। मठ मंदिर का ही हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। मठ मंदिर का निर्माण कार्य जीर्णोद्धार कार्य अभी जारी है। मठ महाकाल समिति के द्वारा अपील की जा गई है कि इस जीर्णोद्धार कार्य में सहयोगी बनकर पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। बकायदा जो भी आप सहयोग देना चाहें रसीद लेकर वहाँ सहयोग कर सकते हैं। सुबह सवेरे देखिए महिलाएं पुरुष बालिकाएं, यहाँ विशेषकर छोटी बच्चियाँ स्कूली बच्चियों का की तादाद बहुत ज़्यादा दिखाई देती है सुबह सवेरे। मठ महालोक की कल्पना सिवनी के लोगों के मानस पटल पर है, और सिवनी के सांसद विधायक सियासी दलों के अगर नुमाइंदे चाहें तो सिवनी को भी मठ महालोक के रूप में एक बेहतरीन कॉरिडोर मिल सकता है। इस बारे में सभी बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। महाकाल अगर आप देखें महाकाल के महालोक, महाकाल महालोक कॉरिडोर के बाद सिवनी में लोगों की उम्मीदें जागी थी, पर लगभग 3-4 साल हो गए, अभी भी इस मामले में
कहीं कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही है। मठ मंदिर समिति के पास, बहुत मठ मंदिर ट्रस्ट के पास बहुत पर्याप्त जगह भी है, बहुत अच्छे तरह से यहाँ इसका निर्माण कराया जा सकता है। शिव की नगरी में अगर चाहें तो मठ महालोक का निर्माण हो सकता है। पहले सोमवार को, श्रावण का पहला सोमवार, श्रावण का मास देवाधिदेव महादेव भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रिय होता है। सुबह से ही यहाँ श्रद्धालुओं का तांता आप देख सकते हैं, तांता लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा। मठ मंदिर पहले से काफ़ी निखर चुका है, महाकाल समिति के द्वारा यहाँ लगातार ही सेवा की जा रही है। आप मठ मंदिर अगर जाते हैं तो एक अलग तरह की आपको अनुभूति होती है, एक अलग तरह का आपको यहाँ पर शांति की अनुभूति होती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ये हम करीब से आपको दिखा रहे हैं, देवाधिदेव महादेव का ये शिवलिंग आपको दिखाई दे रहा होगा। कुछ कुछ देर में इसे पूरी तरह साफ कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पूजन सामग्री बेलपत्र आदि इतने ज़्यादा तादाद में हो जाते हैं कि फिर शिवलिंग के दर्शन बहुत मुश्किल से हो पाते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको ये सारी खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।